हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ चंद्रा सिंह। जस्ट मैं अभी आई हूँ घर पे मस्तान बाबा का पूजा करके। पहले मैं सबसे पहले बताऊँगी, जिन लोगों का भी मैंने मारण क्रिया का काम लिया है उनका काम मैंने कल पूरा किया। मैंने वीडियो भी बना के भेजी। सैलानी बाबा में 35 किलो चावल का 5 बकरे का बलि का हुआ है, तो 72 घंटा लगेगा ना, मंगलवार तक वेट तो करो। ऐसे थोड़ी ना खाने का काम है किसी को, आप बिंदास मरवा रहे हो, ऊपर से उसके लिए वेट भी नहीं करना है ना। क्योंकि ऐसा एक तो टाइम पे किसी के पेमेंट भी नहीं आई और ऐसी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, सुबह है ना 10 बजे के पहले अगर मुझे कोई बार बार मैं फ़ोन और मैसेज करता है, पहली बात 12 बजे तक बिल्कुल मत करो। मैं पूजे पे रहती हूँ, मैं आप लोगों के जैसे फ्री या फालतू टाइम नहीं देती। इसमें एक एक जन बोलते हैं अरे माँ ये वो, कोई भी बहाने से मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस वक्त तुम लोग को सबको पता है मेरा दिमाग किधर और ख़राब है, ठीक है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को मुझे अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। अभी कुछ लोगों को तो मैं इसलिए माफ़ कर रही थी कि जाने दो, अपने लोग हैं, अगर कुछ गलती से हो गया तो फालतू में लेने के देने पड़ेंगे। लेने देने मतलब कैसा नाम खराब होएगा कि इसने ऐसा कर दिया। लेकिन कैसा है ना, चर्बी जाती नहीं है, तो अब क्या है, एक बार एक बड़ा झटका मुझे देना पड़ेगा, तब जाके इनको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं झटका नहीं दूंगी, जब तक इन लोगों को, क्योंकि मुझे बुरा क्या लगता है, जब मैं आपके बीच में नहीं बोलती और आप लोग हमारे घर में परिवार में दखल देने को देखो, तो मुझे ये पसंद नहीं आएगा। तो एक बड़ा झटका मिलेगा और बहुत बड़ा झटका मिलेगा। ये कैसा ना, आज नवरात्रि का दूसरा दिन अभी शुरू हो चुका है, 18-19 फरवरी तक नवरात्रि के 10 दिन पूरे होंगे। इस 10 दिन में अगर मैंने तुम लोगों को तुम्हारी औकात तक नहीं पहुँचाया ना, कुछ ऐसी हालत नहीं की ना कि तुम जगह से, मतलब इतनी गंदी चीज़ डाली जाएगी कि जगह से उठ नहीं पाओगे। क्योंकि तुम लोगों को ये लग रहा है ना कि कल अमावस्या का 9 तारीख भी गया, हमको कुछ नहीं हुआ, तो ये बात याद रखना कि मैंने कुछ किया ही नहीं था तुम लोग के लिए। जिसके लिए किया है उनकी हालत क्या वही जानते हैं, ठीक है। और ये बात भी भूल गए कि मैंने कहा है 24 मार्च तक कितनों का टिकट ऊपर का कट चुका। और ये भी कहा है मैंने कि जो लोग बार बार नमक हरामी करके मेरे काम में ध्यान देने को देखते हैं, तुम्हारी वजह से हमारे परिवार तक आने का कोई बिगड़ने को देखेगा, तो ये बात है कि फिर हम तुम्हारे परिवार तक जाएंगे। तो तुम्हारे परिवार का बैंड बजना शुरू हो गया। देखा ना मैं मस्तान बाबा कैसे हंस रहे थे, जाते मान उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। दूसरी बात, मैं खास करके आज गई थी, मेरे जो अभिषेक घोसलकर जी की ऐसे, मेरे भाई का ऐसा हो गया, घोसलकर परिवार में इतना बड़ा जो दुख का पहाड़ टूटा है, तो वो इंसान तो, वो लोग तो एकदम अपने में मतलब उनको तो सुध नहीं होगी। किसी का जवान बेटा चला गया, एक लौता बेटा चला गया, उसे सुध नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों ने उस चीज़ की कल पार्टी मनाई है। है ना, अभी हमारे एरिया में कल मुझे पता चला तो मैं काड़ूबाई नहीं गई, मन ही नहीं हुआ। अभी तक मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मेरा मन ही नहीं हुआ। शायद हम लोग ने कल किसी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, खाना खाया ही गया ही नहीं, ऐसा मतलब अंदर उलझुल चल रहा था। और जो एरिया में लोग रहते हैं, मैंने क्या कहा था कल, मिश्रा पांडे, मिश्रा और यादव पकड़े जाएंगे। मैं आपको बताऊं, हम लोग पुजारी लोग हैं, हम लोग आईनी अमलियत देखते हैं। अब शायद हमको कोई माने ना माने, हमको बेवकूफ़ में गिनती करते हैं, लेकिन जहां तक हमने देखा है और जहां तक मैंने जाना है, मैं यही बात बता रही हूं कि जो इंसान अगर किसी और को मारने को सोचेगा, वो अपनी जगह पे तो बिल्कुल नहीं मारेगा और अपने आप को बिल्कुल नहीं मारेगा, तुरंत तो नहीं मारेगा। क्योंकि सामने वाले को जब हम मारते हैं तो एक हड़बड़ाहट और एक घबराहट हो जाती है, तो अपने आप को मारने का टाइम किधर रहेगा। उसी को मरते हुए देख के दिमाग आधा ऊपर चला जाता है, सुन्न हो जाता है। आप किसी को मरते हुए देखोगे तो आपकी खुद की हिम्मत होगी कि खुद को मार सको, उस वक्त अपना हाथ पैर कांपने लगता है। और जहां तक हमने देखा कि जहां पे भी ये कांड हुआ है, वहां पे टोटल 5 आदमी थे, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, टोटल 5 आदमी थे। और गोली फायर होने के बाद वो 5वां आदमी भाग चुका है वहां से, अफरा तफरी में भाई को गोली लगी। एक ने जाके अफवाह फैलाया। मेरा कहने का मतलब है कि अगर उसको अभिषेक जी को गोली लगी, तो जो अभिषेक जी के साथ था, भाई मेरे अभिषेक भाई के साथ था, उसको गोली क्यों नहीं लगी? उसको इसलिए रखा गया था कि वो बाहर जाके सबको बोलेगा भाई को गोली लगी। गेम अच्छा प्लान है। और एक जन जो बॉडीगार्ड बनते हैं, उनको अचानक से पता चला कि फेसबुक पे लाइव वीडियो बनी, तो चलो मैं ऑफिस तक जाके आता हूँ। वो ऑफिस तक रोड क्रॉस कर रहे थे। ये भैया लोग हैं ना, बहुत झूठ बोलते हैं। यूपी वालों से बड़ा झूठ कोई झूठा कोई बोलता नहीं। ये लोगों सालों को सबको एक एक को थर्ड डिग्री दो, इनकी माँ इन खुद ब खुद अपनी माँ बहन के हिसाब से कबूल कर लेंगे। दूसरी बात, शक तो तब बदल गया कि कल किसी का जन्मदिन था, तो हमें क्या लग रहा है हमारे भाई की बलि दे के जन्मदिन मनाया जा रहा है। कल हमारे भाई का अंतिम तिथि था, उसकी आग बुझी भी नहीं थी, उसकी चिता की राख बुझी नहीं थी, और हमारे दहिसर के कुछ लोग यादव और पांडे वहां पे जाके, दूसरी जगह पे जाके जन्मदिन मना रहे, पार्टी मना रहे और फेसबुक पे स्टेटस रख रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे अगर हमारे घर के बाजू में भी कहीं कुछ हो जाता तो एक दिन के लिए आदमी अगर कहीं जाता भी रहेगा तो रुक जाता है।
और तुम्हारे इतने बड़े एरिया में, और ये भी भूल गए कि अभी की, इस वक्त की वहाँ की नगर सेवक उनकी वाइफ ही है। लेकिन तुम लोगों ने शक को यकीन में बदल दिया। अब तो मैं पुलिस से यही कहूँगी कि इस मामले को बिल्कुल भी ठंडा ना पड़ने दे। हम लोग तो पढ़ने नहीं देंगे, मैं तो पढ़ने नहीं दूंगी, नहीं तो गार्ड तो मुझसे है, एक बात याद रखना। और दूसरी बात, मैं वादा करती हूँ कि जिस तरह से आपने किसी एक बाप से उसका जवान बेटा छीना, एक लौता बेटा छीना है, आपसे भी अगर आपका जवान बेटा नहीं छीना ना, ये 13 दिन आज दूसरा दिन है ना, ये 13 दिन, जब तक उनका 13वां दिन बीतेगा, 13वां दिन बीतते बीतते अगर मैंने अपने भाई के दुश्मनों को, क्योंकि मेरी भा कहते ना, कुछ भी हो उनकी औरत हमारी भाभी जैसी, अभी उसके आंसू तो सूने सूखे नहीं होंगे, वो तो बेहोश होगी इस वक्त, तो उनके परिवार के पीछे हम सब हैं। के बाद याद रखना, मैं दूसरों का नहीं जानती, मैं विद्या देवी वादा कर रही है कि ये 13 दिन बीतते बीतते उनकी चिता की राख ठंडी होते होते अगर मैंने तुम सबके घर में चिता नहीं जलवाई ना, तो विद्या देवी के नाम, विद्या देवी नाम की नहीं। कल बहुत बड़ा शौक था ना पार्टी करने का, खुशी मना रहे थे, अगर वो खुशी दुख में, क्योंकि जितने लोगों ने खुशी मनाई ना, उनके पास भी एक ही एक बेटा है, ये याद रखना, मुझे भी पता है उनके पास यही एक ही बेटा है, और वो बेटे लोग गुंडागर्दी में नाम फेमस है, तो ये बात याद रखना, क्योंकि तुम्हारे सबकी फोटो लेने के लिए हमें पर्सनल नहीं जाना पड़ेगा, हर जगह पे बैनर वैनर पे सब लगे रहते हैं। ये जो किया है ना, बहुत गलत किया है किसी के साथ, तुम लोगों ने जो चालाकी की ना, हम लोग तुम्हारे जैसे गिरे हुए नहीं, किसी को हायर करेंगे, हम अपनी पूजा से काम करेंगे। अगर मेरी पूजा में दम है और सच्ची अघोरी हूँ मैं, तो ये 13 दिन के अंदर है ना विद्या देवी, तुम्हारा जिसने भी, मुझे तो नहीं पता किसने किया ये कांड, लेकिन जिसने भी किया है, ये बात पक्की कि वो भी अपना जवान बेटा खोएगा। जब जिसका जवान बेटा खोया जाएगा, तभी पता चलेगा कि चोर ये था, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तुम्हारे ही दुश्मन आके तुम्हारे लोगों को मार सकते, जैसे तुम लोग दुश्मन हायर कर सकते हो, हम ऐसा कुछ पूजा करेंगे कि तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी होके सेम तुम्हारे साथ वो कांड करेंगे, तब पता चलेगा कि एक बेटा खोने का दुख क्या होता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आजीवन के लिए अघोरपन छोड़ दूंगी, मैं समझ जाऊंगी कि मैंने कभी अघोर विद्या सीखी नहीं थी, ये बात का वादा करती हूँ मैं। देखिए, बहुत सारे गंदे लोगों को क्या लगता है, विद्या देवी को पैसे मिल रहे या विद्या देवी फुटेज खाने के लिए कर रही है? बिल्कुल नहीं, मेरे को तो ना फुटेज खाना है, अगर मुझे फुटेज खाना होता तो मैं उनके घर पे पहुंचती, हमदर्दी दिखाती, नो वे। उन लोग तो मुझे शायद ठीक से जानते भी नहीं है, लेकिन ये गलत है, राजनीति के नाम पे ये इस तरह का काम करना गलत है, ये बात खुलेगा। क्योंकि मैंने जो पूजा की ना, मेरे मस्तान बाबा तक जाने का इरादा ही वही था कि ये काम मेरे मस्तान बाबा आधा करेंगे और बाकी का तो मैं करूंगी, कि ये जो भी पोल है वो पूरी तरह से खुलेगी इस 13 दिन के अंदर, इस 9 दिन के नवरात्रि तो पूरा होने होने तक मेरी माँ काली चोर को सामने लाएंगे, मेरे मस्तान बाबा लाएंगे। जिस तरह से तुम लोगों ने लोग किसी बाप का जवान बेटा छीना है, किसी एक औरत को विधवा किया है, एक बेटी को अनाथ किया है, वैसे तुम्हारे घर में भी तुम्हारे जवान बेटे की जान जब जाएगी और तुम्हारे दुश्मन लेंगे ना, तुम्हारे ही दुश्मन लेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा किसी के बेटे की जान जाने का दुख क्या होता है। और जिसने भी इस काम में, गलत काम में इनका साथ दिया है ना, जिसने भी दिया है, सबके घर में इतना अकाल आएगा, इतना प्रॉब्लम आएगा कि कभी कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि ये समझ लो, इस वक्त तुम लोगों ने उनसे नहीं विद्या देवी से पंगा लिया, क्योंकि ये गलत है, रॉन्ग है। और मुझे पता है तुम जैसे बेशर्मों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ेगा, बहुत अच्छे से फर्क पड़ेगा। मजा देखो, तुम भी यही हो, हम भी यही है, मैदान दोनों खिला है। हमारा मतलब होता है कि मैदान में बराबरी की लड़ाई हो तो मज़ा आता है, ये तो पीठ में छुरा घोपने जैसा हुआ, ये तो बुजदिलों वाला काम हुआ। और बुजदिलों वाले काम में तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम चोर हो, क्योंकि जो जो हरकत हुई है वो हरकत से अंधा आदमी भी समझ जाएगा कि चोरी तुम लोगों ने की है। क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ है, जब भी प्रोग्राम रखा गया तो हमारे अभिषेक घोसालकर ने कभी किसी सामने वाले पार्टी वाले को उल्टा नहीं बोला है, हम लोगों ने अभी किसी को गाली नहीं दी, लेकिन तुम लोगों ने भर भर के हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को गाली दी है, तभी हमको समझ में आ गया था कि तुम्हारी गांड कितनी चल रही है, तुम क्या कर सकते हो। तो कोई नहीं, कानून को सबूत चाहिए और हम सबूत के साथ उनको लाएंगे। कुछ तो ऐसा करेगी विद्या देवी पूजा कि कानून को खुद सबूत मिलेगा। आप नहीं जानते मुझे, मैं बड़े बड़ों को केस सॉल्व करती हूँ, एक वक्त में केस ख़त्म करवाती हूँ। अगर मैं चाहूँ ना कि आज मुझे आज जज नहीं आना चाहिए, जो कोर्ट में तो नहीं आता है, तो मैं कुछ ऐसा करूँगी कि उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्राइम ब्रांच वालों को, खुद ब खुद सारे सबूत अपने आप चल के सामने आएंगे। जितने लोग पकड़े गए हैं वो लोग अपने आप सारा कुछ कबूल करेंगे, मेरा सुल्तान उनसे कबूल करवाएगा, ये मेरा वादा है। ये देख लीजिएगा कि मेरा
तुम लोग को ये दिखाऊंगी कि पूजा पाठ में जब एक अघोरी अपनी औकात पे उतरता है तो क्या करता है, और कुछ लोगों को पर्सनल लोगों को भी दिखाऊंगी कि अपना समझ समझ के बहुत छोड़ दिया, ये सोचा कि जाने तो अब सुधरेंगे तब सुधरेंगे तब सुधरेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में ना सुलेमानी रेवानी कीड़े, तुम्हारे घर में जब तक कोई बड़ा कांड होगा नहीं ना तुम लोग सुधरोगे नहीं, तुमको समझ में नहीं आएगा कि एक अघोरी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। तो वेट, देखो क्या होता है।